नमस्कार, मैं हूं प्रज्ञा। बिहाई न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। सातवें चरण की शिक्षक नियुक्ति होगी सेंट्रलाइज्ड। वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड प्रिक्स से मेडल जीतकर बिहार लौटे सैरेस। मौसम विभाग ने बिहार के 18 जिलों में जारी किया अलर्ट। बिहार में कर्मचारियों ने निकाला बायोमेट्रिक हाजिरी का तोड़। T20 विश्व कप से पहले भारत ने खेला नया दांव। इसके साथ ही बढ़ते हैं शाम तक की बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। सातवें चरण की शिक्षक नियुक्ति होगी सेंट्रलाइज्ड। शिक्षा विभाग के द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि बिहार में प्रस्तावित सातवें चरण की प्राथमिक माध्यमिक और उच्च माध्यमिक शिक्षक के करीब 2 लाख से अधिक पदों के लिए बहाली प्रक्रिया केंद्रीकृत होगी। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई हालिया बैठक में भी इस पर मुहर लगा चुकी है। प्राप्त जानकारी के मुताबिक सातवें चरण में अभ्यर्थियों को आवेदन से लेकर नियुक्ति तक की समूची प्रक्रिया ऑनलाइन रहेगी। केवल काउंसलिंग के लिए अभ्यर्थी को नियोजन इकाई के समर्थ खड़ा होना होगा। अगर पहली बार में उसकी चॉइस के हिसाब से स्कूल कॉलेज नहीं मिलेगा तो उसे ऑनलाइन ही दूसरी और तीसरी बार मौका मिलेगी। वहीं अभ्यर्थियों को हर सूचना पोर्टल के जरिए मिलती रहेगी। VTR में मिला दुर्लभ कीड़ा। वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व अभी वन्य जन जीवन से गुलजार है। इस बीच VTR में एक अजीबो गरीब कीड़ा दिखाई पड़ने की सूचना मिली है, जिसे देखने के लिए वहां के ग्रामीणों में भी उत्सुकता देखने को मिल रही है। इसके बाद ग्रामीणों में अलग तरह की चर्चाएं शुरू हो गई है। कोई इसे वन देवी की अवतार मान रहा है तो कोई शैतान का स्वरूप बता रहा है। हद तो तब हो गई जब लोग इस कीड़े के आगे घी के दिए और अगरबत्ती जलाना शुरू कर दिया। ग्रामीणों ने बताया कि यह कीड़ा छोटे सांप जैसे आकार का दिखता है। बिहार में अपराध में शामिल जवानों पर होगी कार्रवाई। आपराधिक गतिविधियों में बिहार पुलिस के जवानों की संलिप्तता की बात सामने आने के बाद पुलिस मुख्यालय ने आंतरिक निगरानी को बढ़ाने की तैयारी कर ली है। पुलिस कर्मियों पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए नजर रखी जाएगी। अपर पुलिस महानिदेशक जितेंद्र सिंह गंगवार ने हाल ही में पुलिस उपलब्धियों का ब्यौरा देते हुए कहा कि पुलिस की छवि बेदाग है। अपराध में शामिल पुलिस कर्मियों के खिलाफ सख्त कदम उठाए गए हैं। पुलिस कर्मी पदाधिकारी नियमों के दायरे से बाहर न जाए, किसी भी अपराध में उनकी संलिप्तता रोकने के लिए उन पर नजर रखी जाएगी। आतंक और देश विरोधी ताकतों के खिलाफ बिहार पुलिस केंद्रीय एजेंसियों की मदद कर रही है। ट्रेन में छापेमारी से हड़कंप। सेल्स टैक्स विभाग ने सोमवार को बड़ी कार्रवाई करते हुए कवि गुरु एक्सप्रेस में छापेमारी की। इस दौरान रेडीमेड कपड़ों का बड़ा खेल पकड़ में आया। एक बोगी में करीब 183 कार्टन विभाग ने जब्त किए हैं। वहीं छापेमारी देर रात तक चली। इस दौरान दूसरी बोगी से भी कई कार्टन जब्त किए गए। सेल्स टैक्स विभाग के अधिकारियों के अनुसार दोनों बोगियों को मिलाकर करीब 400 कार्टन कपड़े जब्त किए गए हैं। इन रेडीमेड कपड़ों की जांच कर यह पता लगाया जाएगा कि इसमें कितने माल सही है और कितने माल अवैध तरीके से मंगवाए जा रहे थे। इस दौरान अगर कारोबारी अपने माल का रसीद पेश कर देते हैं तो उन्हें माल वापस किया जाएगा, नहीं तो नियमानुसार उन मालों पर जुर्माना लगाया जाएगा। जुर्माने की राशि भर देने पर माल वापस भी दिया जा सकता है। मौसम विभाग ने बिहार के 18 जिलों में जारी किया अलर्ट। मौसम विज्ञान केंद्र पटना के अनुसार राजधानी समेत प्रदेश के 18 जिलों में वज्रपात, मेघ गर्जन के साथ हल्के से मध्यम स्तर की वर्षा का पूर्वानुमान है। इन सभी मौसमी प्रभावों को देखते हुए मौसम विज्ञान केंद्र पटना की ओर से अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विज्ञानी की माने तो प्रदेश में पूर्वी व दक्षिणी पूर्वी हवा का प्रभाव बना हुआ है। वहीं एक चक्रवर्ती परिसंचरण का क्षेत्र पश्चिमी मध्य बंगाल की खाड़ी के ऊपर बना हुआ है। इनके प्रभाव से प्रदेश के पूर्वी चंपारण, अररिया, किशनगंज व पूर्णिया जिले के एक या दो स्थानों पर भारी वर्षा की संभावना है, जबकि अन्य जगहों पर वज्रपात, मेघ गर्जन के साथ हल्के दर्जे की वर्षा के आसार हैं। बिहार में कर्मचारियों ने निकाला बायोमेट्रिक हाजिरी का तोड़। प्रमंडल, जिला, अनुमंडल और प्रखंड स्तर पर सरकारी कर्मचारियों अधिकारियों को समय ऑफिस पहुंचने के लिए लगाए गए बायोमेट्रिक अटेंडेंस सिस्टम का तोड़ कई कर्मचारियों अधिकारियों ने निकाल लिया है। ऐसे कई कार्यालय हैं जहां आधार आधारित बायोमेट्रिक हाजिरी सिस्टम नहीं है। वहां पर एक ही कर्मचारी अपनी कई उंगलियों का प्रयोग कर अपने अफसरों या साथियों की उपस्थिति दर्ज कर रहे हैं। जब यह मामला मुख्य सचिव के संज्ञान में आया तो उन्होंने इस पर अंकुश लगाने के लिए सभी कमिश्नर, रेंज IG, DIG और DM, SSP को पत्र भेजा। जारी किए गए इस पत्र में BBL प्रणाली को प्रभावी बनाने के लिए लगातार निगरानी करने के साथ ही दोषी कर्मचारी अधिकारियों पर कठोर कार्रवाई करने के आदेश दिए गए हैं। वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड प्रिक्स से मेडल जीतकर बिहार लौटे सैरेस।
बिहार में खेल के विकास और खिलाड़ियों के सम्मान को लेकर सरकार के अधिकारी बड़े बड़े दावे करते रहते हैं, लेकिन हकीकत ठीक उसके उलट रहती है। बता दें कि मोरक्को में 15 सितंबर से 17 सितंबर के बीच वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड प्रिक्स का आयोजन हुआ था। वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड प्रिक्स के विजेता जमुई निवासी पैरा एथलीट शैलेश कुमार ने मोरक्को में लॉन्ग जंप में सिल्वर मेडल और हाई जंप में ब्रॉन्ज मेडल जीतकर देश का मान बढ़ाया है। शैलेश कुमार सोमवार को जब पटना पहुंचे तो एयरपोर्ट पर पैरा एथलेटिक्स फेडरेशन का कोई सदस्य शैलेश की हौसला अफजाई के लिए मौजूद नहीं था। शैलेश ने ईटीवी से खास बातचीत में बताया कि उन्होंने लॉन्ग जंप में सिल्वर मेडल जीता और हाई जंप में ब्रॉन्ज मेडल जीता। लॉन्ग जंप में थोड़े अंतर से गोल्ड मेडल से चूक गए, इसका उन्हें मलाल है। गया से गुजरने वाली सभी ट्रेनों में लंबी वेटिंग लिस्ट। गया जी में पितृ मुक्ति का महापर्व त्रिपाक्षिक यानी 17 दिवसीय पितृपक्ष मेला महासंगम नवरात्र के पहले दिन गायत्री घाट में पिंडदान तर्पण के साथ पूरी तरह संपन्न हो गया है। अपने पितरों का श्राद्ध करने के बाद अब कुछ तीर्थयात्री बनारस काशी तो कुछ प्रयागराज में संगम स्नान व पूजा पाठ करने अपने घर लौटना चाह रहे हैं, पर उन्हें लौटने के लिए आरक्षित कन्फर्म रेल टिकट नहीं मिल पा रहा है। बता दें कि गया के कई ट्रेनों में लंबी वेटिंग लिस्ट है। वहीं वर्तमान में दशहरा आदि पर्व त्योहारों को लेकर ट्रेनों में सीटें फुल है, जिस वजह से श्रद्धालु परेशान होकर किसी तरह जुगाड़ लगाकर घर जा रहे हैं। वहीं कुछ ऐसे भी श्रद्धालु हैं जो कुछ दिन शहर में ही रहने की सोच रहे हैं। अक्षरा सिंह पर मान नीलिमा ने लुटाया प्यार। भोजपुरी की सुपर एक्ट्रेस अक्षरा सिंह की मां नीलिमा सिंह ने इंस्टाग्राम पर कई तस्वीरें शेयर की हैं, जिसमें वो अपनी बेटी अक्षरा के साथ प्यार लुटाती नजर आ रही हैं। उन्होंने इन फोटोज को शेयर करते हुए अपने फैंस को शारदीय नवरात्रि की ढेरों शुभकामनाएं भी दी है। इंस्टाग्राम पर शेयर की गई इस तस्वीर में दोनों माँ बेटी ट्रेडिशनल और सिंपल लिबास में काफी खूबसूरत नजर आ रही है। टीवी स्टार नीलिमा सिंह ने जहाँ मैरून कलर की साड़ी पहन रखी है, तो भोजपुरी फिल्मों की जानी कही जाने वाली अक्षरा सिंह ने ग्रीन और व्हाइट कलर का सूट पहना है। फोटोज में दोनों की बॉन्डिंग को उनके फैंस के द्वारा काफी पसंद किया जा रहा है। इन फोटोज में दोनों माँ बेटी एक दूसरे को झूला झुलाती नजर आ रही हैं। पटना में सप्तमी से दशहरा तक बदली रहेगी यातायात व्यवस्था। दुर्गा पूजा में किसी तरह की कोई खलल पैदा न हो, इसके लिए पटना की पुलिस ने लगभग सारी तैयारियां पूरी कर ली है। बीते दिन सोमवार को एसएसपी मानवजीत सिंह ढिल्लो ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि इस बार पटना जिले में 1387 पूजा समितियों को लाइसेंस निर्गत किया गया है। सभी थानाध्यक्ष अपने अपने थाना क्षेत्रों में शांति समिति की बैठक भी कर ली है। सभी बेड़े पंडालों में जिला प्रशासन की ओर से सीसीटीवी लगाया जाएगा, जिसकी मॉनिटरिंग खुद पुलिस की एक विशेष टीम द्वारा करी जाएगी। वहीं इस बार पुलिस की विशेष नजर पटना के 5 फ्लाईओवरों पर ज्यादा रहेगी। एसएसपी ने बताया कि गंगा पथवे, बेली रोड फ्लाईओवर, दीघा एम्स एलिवेटेड रोड, चिड़िया टांड से कनेक्टेड सभी फ्लाईओवर, अटल पथ पर 8 बजे से सुबह 4 बजे तक विशेष चेकिंग अभियान चलाया जाएगा। पटना पहुंचे तेजस्वी यादव का बीजेपी पर बड़ा हमला। बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव दिल्ली से पटना लौट चुके हैं। पटना एयरपोर्ट पर पहुंचते ही उन्होंने बीजेपी पर जमकर हमला बोला। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि इस बार 2024 में बीजेपी को एक भी सीट मिल जाए तो बहुत है। पिछले लोकसभा चुनाव में भाजपा नेता एनडीए ने बिहार में 40 में से 39 सीटों पर जीत हासिल की थी, लेकिन अगले लोकसभा चुनाव में भाजपा एक सीट भी जीत ले तो बड़ी बात होगी। वहीं हरियाणा में हुए सम्मान रैली को लेकर सवाल खड़ा करने पर तेजस्वी ने कहा कि जिसको जो बोलना है बोलने दीजिए। वहीं उन्होंने बीजेपी से एक बड़ी मांग भी की है। नीतीश कुमार नहीं होंगे कामयाब, सीएम पर आरसीपी का तंज। बिहार के राजगीर पहुंचे पूर्व केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह ने झारखंड में नक्सलियों से लोहा लेते हुए शहीद हुए जवान चितरंजन कुमार को श्रद्धांजलि दी। इस दौरान आरसीपी सिंह सीएम नीतीश कुमार पर जमकर बरसे और कहा कि पहले वो बिहार को देखे, उसके बाद देश की सोचेंगे। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि जब उनको अकेले अपॉइंटमेंट नहीं मिला तो वह लालू जी का सहारे सोनिया गांधी से मुलाकात करने पहुंच गए। बिहार में बढ़ते अपराध पर कहा कि जब से महागठबंधन की सरकार बनी है तब से यहां के लोग खुद को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं, डर के साए में रहते हैं, सरेआम गोलियां चलती है और थाने में डीएसपी को धमकाया जाता है। वहीं बेगूसराय हिंसा पर भी उन्होंने सरकार के जीरो टॉलरेंस को खोखला बताया है। बिहार बीजेपी का नीतीश कुमार पर बड़ा हमला। बिहार बीजेपी के प्रवक्ता डॉक्टर निखिल आनंद ने नीतीश कुमार और ललन सिंह पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि बिहार की जनता को नीतीश कुमार से सतर्क व जागरूक रहने की जरूरत है। नीतीश जी ने आजीवन पिट्ठिया कन्हैया चढ़कर ही राजनीति की, जिसकी थाली में खाया उसमें छेद किया। नीतीश जी देश के सबसे बड़े राजनीतिक धोखेबाज है, जो मिस्टर ड्यूटर्न महाराज के नाम से लोकप्रिय है। एनडीए गठबंधन से राजद के खिलाफ जीते जेडीयू सांसद विधायक परेशान है। समता पार्टी का राजद के खिलाफ लड़ने वाले जदयू के नेता कार्यकर्ता तकलीफ में है। नीतीश जी रिटायर होकर जल्द आश्रम जाएंगे और उनके सिप सलार ललन सिंह भी उनके सेवा सत्कार के लिए आश्रम में जाएंगे।
टी20 विश्व कप से पहले भारत ने खेला नया दांव। दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ बुधवार से शुरू होने वाले 3 मैचों की टी20 सीरीज से पहले खिलाड़ियों के बाहर और आराम देने आदि कार्यक्रम शुरू हो गए हैं। स्टार ऑलराउंडर हार्दिक पांडे और अनुभवी तेज गेंदबाज भुवनेश्वर कुमार को आराम दिया गया है। उनकी जगह दीपक हुड्डा और बाएं हाथ के तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह आए, लेकिन अब खबर आ रही है कि दीपक हुड्डा बाहर हो गए हैं और उनकी जगह दो खिलाड़ी श्रेयस अय्यर और ऑलराउंडर शहबाज अहमद टीम से जुड़ेंगे। उधर तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी के खेलने पर अभी भी संशय बना हुआ है। बता दें कि भारत अपने टी20 विश्व कप अभियान की शुरुआत 23 अक्टूबर को पाकिस्तान के खिलाफ मैच से करेगी। देश भर में आए 5,000 से कम कोरोना के मामले। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा आज यानी मंगलवार को जारी किए गए कोरोना रिपोर्ट के अनुसार पिछले 24 घंटे में कोविड-19 के 3,230 नए मामले सामने आए हैं। वहीं बिहार की बात करें तो यहां बीते दिन जारी किए गए पिछले 24 घंटों के आंकड़ों के अनुसार कोरोना संक्रमण के मामले में कमी हुई है, जिसके बाद राज्य भर में कुल 44 कोरोना के नए मरीज मिले हैं। वहीं राजधानी पटना की बात करें तो यहां सबसे अधिक 16 नए मामले सामने आए हैं। वहीं बीते दिन के पिछले 24 घंटे में कुल 47,211 कोरोना सैंपल की जांच की गई है, जहां 25 मरीज ठीक होकर घर भी वापस लौटे हैं। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिख कर दिया था। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है मृत्युंजय कुमार, उमेश ऋषिदेव, कुश कुमार यादव, अनवर करीम खान, रजनीश रंजन, नुनु कुमार, राकेश शर्मा, पीयूष पटेल, अखिलेश यादव, बाबूलाल मरांडी, शंकर मुखिया, विद्यासागर यादव, पवन सिंह, के सिन्हा, अशोक कुमार प्रजापति। अब बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, बिहार में लोगों के बीच खेल के प्रोत्साहन को बढ़ाने के लिए सरकार की ओर से क्या किया जाना चाहिए। आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहें बिहारी न्यूज़, और साथ ही अगर आप YouTube से देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, और अगर आप Facebook से देख रहे हैं तो पेज को लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।